लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल फूके जाने के बाद अब सियासी हलचल बहुत तेजी से शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप, दल छोड़ने, गठबंधन छोड़ने, पार्टी से अलविदा करने और नई पार्टी की तलाश में नेता लग गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टिकट। लोकसभा की कुल 40 सीटों में ही बिहार के सभी नेताओं को एडजस्ट होना है। गठबंधन बने हैं और दो गठबंधन बड़ी तेजी से बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं, महागठबंधन और एनडीए। ये दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को मात देने की तैयारी में है और दावेदारी भी है। एक तरफ जहां एनडीए कह रहा है कि वो सभी 40 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगा, वहीं महागठबंधन का कहना है कि इस बार एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाएगा, बोहनी तक नहीं हो पाएगी और 40 की 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इन सब बातों को लेकर के टिकट पाने की होड़ में कई नेता लगे हुए हैं और जैसे ही उन्हें यह आभास होता है कि उनका स्थान अब यहाँ नहीं है, वो पार्टी से अलग हो जा रहे हैं और नई तलाश शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा ही घटना लगातार महागठबंधन में चल रहा है। महागठबंधन के एक घटक दल आरएलएसपी के पदाधिकारी और पूर्व मंत्री नागमणि ने पार्टी से विद्रोह कर दिया है। जैसे कि आपको सूचना पहले भी हमने दिया है और सबसे पहले हमने ये खबर बताया था जब नागमणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जगदेव प्रसाद की मूर्ति अनावरण के समय उनके बगल में बैठे थे और काफ़ी बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। उसके बाद से मीडिया में ये खबरें आने लगी कि नागमणि की नज़दीकियां नीतीश कुमार से बढ़ गई हैं। उसके ठीक एक सप्ताह पहले आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था और वो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। नागमणि ने उनको लेकर के सरकार को बहुत सारी बातें सुनाई थी। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ बैठना और बेतकल्लुफी से बात करना पार्टी को रास नहीं आया और पार्टी ने नागमणि पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हमने जब बात किया तो नागमणि ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरा और उपेंद्र कुशवाहा का संबंध बिल्कुल ही बेहतर है और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पार्टी को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, किस कारण से छोड़ूंगा। टिकट की बात मैंने कही थी तो उन्होंने कहा था कि नागमणि नहीं तो और कौन चुनाव लड़ेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और तब से अब तक नागमणि पार्टी और पार्टी के कई लोगों पर हमलावर हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा का संबंध मेरे साथ खराब हुआ, उसके पीछे कारण एक ही है कि वो पैसे लेकर 9-9 करोड़ लेकर के और टिकट बांट रहे हैं। उनका हमला और उनका अस्पताल में जाना ये सब नौटंकी और ड्रामा है। आपको जैसा कि जानकारी होगी ही और हमने बताया भी था कि नागमणि ने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। इसी बात को लेकर के आरएलएसपी में उनको नोटिस दिया था, क्योंकि आरएलएसपी लगातार नीतीश कुमार की नीति, उनके सरकार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उन पर मुखर है और उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं पर हमला भी हुआ था, यानी पुलिस जिससे के साथ झड़प हुई थी और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। अब स्थिति यह है कि नागमणि ने सीधे सीधे माधव आनंद, जो कि पार्टी के एक बहुत ही युवा और मुखर नेता हैं, उन पर आरोप लगाया है कि वो पार्टी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमने माधव आनंद से बात करने का प्रयास किया। इन सब बातों के बीच आप देखिए कि नागमणि ने क्या कहा और पार्टी के और भी लोगों ने किस तरह की बातें कही। जैसा कि आपने देखा और सुना, आरएलएसपी में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो चुका है और इस हंगामे की वजह बने हैं इस बार नागमणि। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि आरएलएसपी शुरू से ही
बनते और बिगड़ते, टूटते और बढ़ते रही है। इससे पहले भी आरएलएसपी से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अलग हुए थे, उसके बाद से विधायक और विधान पार्षद ने भी मुंह मोड़ लिया था और वो नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे थे। अब स्थिति यह है कि एक बार फिर से आरएलएसपी में टूट हुई है। क्या नागमणि आरएलएसपी के लिए बड़ी टूट का कारण बनेंगे या फिर नागमणि इसी तरह से अपना व्यवहार करें? जैसे ही इस विषय पर और भी सूचनाएं आती हैं हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।